हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, आज हम लेके आपके लिए स्टेनोग्राफर का, ठीक दोस्तों, स्टेनोग्राफर भर्ती का जो परीक्षा हुआ था आपका अभी पिछले साल 10 मार्च में दोस्तों, ठीक है, तो 10 मार्च 2019 को हुआ था दोस्तों। उसके हम संपूर्ण हल करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन पूछा था, टोटल 80 क्वेश्चन है, उसको हम संपूर्ण तरीके से हल करेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपकी जरूरी नहीं कि आपके स्टेनोग्राफर का पेपर लगा तभी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो दोस्तों। अगर आपका UPSI किसी भी तरह का पेपर लगा है तब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इसमें GS है और हिंदी के बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको दोस्तों, और रीजनिंग के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्व करना। पहले हम हिंदी का पार्ट देखेंगे, फिर रीजनिंग का और फिर GS का दोस्तों, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा दोस्तों। वेरी सिंपल क्वेश्चन था, आपको पता है क्या होता है, यही हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह होता है दोस्तों। ए नंबर जो ऐसे होता है, ये हमारा क्या होता है, प्रश्नवाचक। जहाँ पे प्रश्न पूछने का बोध होगा वहाँ पर हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कर देते दोस्तों। अगर बात करते हैं हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक। अगर हम बात कर लें दूसरा क्या है, तो दूसरा दोस्तों ये क्या होता है, आपका विस्मादबोधक का चिन्ह होता है दोस्तों। हम किसी भाव को प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग करते दोस्तों। अब ये तीसरा नंबर का है, ये आपका अल्पविराम होता है दोस्तों, ठीक। थोड़े एकदम से छोटे समय के लिए रुकना क्या होता है, अल्पविराम का प्रयोग करते, और आपका अर्धविराम है दोस्तों। तो ये चीज याद रखेंगे। और कुछ चिन्ह हम आपको बताए थे, जैसे ये होता है योजक चिन्ह, ठीक दोस्तों, और पूर्ण विराम क्या होता है, ऐसे बनाते हैं पूर्ण विराम होता है, और कोष्टक होते हैं ऐसे, और उद्धरण या फिर अवतरण किन को बोलते हैं, जो हमारे ऐसे ऊपर लगा के इनके बीच में कुछ लिखा जाता है, ठीक दोस्तों, उनको हम उद्धरण या अवतरण बोलते दोस्तों। तो यही आपके लिए कहा है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला है रास्ता देखना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा दोस्तों। रास्ता देखना मतलब क्या, समय नष्ट करना, पता लगाना, निराश होना, या फिर प्रतीक्षा करना। कहते नहीं, हम आपका रास्ता देख रहे थे, आप आ गए ना, तो क्या होता, प्रतीक्षा करना, किसी का वेट करना दोस्तों, वही क्या होता है, रास्ता देखना। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक हाथ से थाली नहीं बजती दोस्तों, ताली नहीं बजती, सॉरी, ठीक, एक हाथ से ताली नहीं बजती, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है दोस्तों। तो कहने का मतलब क्या होता है दोस्तों, कभी भी झगड़ा एक तरीके से नहीं होगा दोस्तों, उसके लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होंगे। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेवार होते दोस्तों, जिम्मेदार होते दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके UP SSSC एग्जाम में पूछा था दोस्तों, और वह पूछा गया पेपर ही है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से दंत वर्ण कौन सा है दोस्तों। दंत वर्ण कौन सा है दोस्तों, आपको ये बताना है। तो क्या होता है, उपनाम दंता, ठीक, छोटा उ, बड़ा उ और पा वर्ग वाले सभी दोस्तों का होते हैं दंत दादा दोस्तों। हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, चौथे का, ठीक है। तो देखिए, सॉरी, तुलसा नाम दंता होता है दोस्तों, ता वर्ग वाले होते हैं, ताथा दाधा ना ना और सासर होता, तो ये हो जाएगा हमारा दंत हो जाएगा दोस्तों। पा क्या होता है, होठ होता है, हा काकल हो जाता है, और टा क्या होता है, मूर्धा होता है दोस्तों, और अकुह विसर्जी नाम कंठा, और हा क्या होता है, कंठ भी होता है दोस्तों, ठीक। तो ये चीज हम याद रखेंगे दोस्तों। हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, शाह हो जाता है हमारे, क्या होगा, दंत वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से अनुनासिक व्यंजन कौन सा है, अनुनासिक वर्ण कौन सा है दोस्तों। तो अनुनासिक वर्ण कौन सा दोस्तों, ये आपको बताना है दोस्तों, ठीक। देखिए, आपको पता होगा कि जो पंचमा अक्षर होते दोस्तों, कौन से पंचमा अक्षर जो होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, नासिक व्यंजन या अनुनासिक भी बोलते हैं। वैसे दोस्तों, अनुनासिक किसको बोलते हैं, अंग को बोलते हैं, तो नासिक व्यंजन हम किनको बोल सकते हैं, जो दोस्तों लास्ट अक्षर होते हैं, का का, जैसे का का लास्ट वर्ड क्या होगा, अंगा, फिर इया, अणा, ठीक, अणा और ना और मां को दोस्तों। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें मां मिल गया, तो हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला है, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, महेंद्र महाधन इंद्र दोस्तों, ठीक, क्या हो जाएगा, महाधन इंद्र। देखिए, समझिए आप, देखिए यहां पे हमको मही गलत होता दोस्तों, किस तरह से पहचानेंगे अगर आपको नहीं पता है, देखिए किस तरह से पहचान सकते हो, तो मह कोई सेंटेंस नहीं होता, मह कोई सेंटेंस नहीं होता, मही कोई सेंटेंस नहीं होता, तो महा होता सेंटेंस, एक महा, महा प्लस इंद्र, महेंद्र दोस्तों। तो हमारी कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि दोस्तों, जहां पर एक ही मात्रा होती है, वो हमारी गुण संधि के अंतर्गत आती है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शंस बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला सातवां नंबर देखते हैं, राज दरबार में कौन सा समास है, राजा का दरबार, राज दरबार मतलब राज का दरबार यानी राजा का दरबार दोस्तों। तो का की के आ गया, मतलब संबंध तत्पुरुष ना, देखिए तत्पुरुष आ गया ना, यहां पर कारक चिन्ह का लोप पाएगा, इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास दोस्तों। अव्यभाव में क्या होता है, उपसर्ग पाया था दोस्तों, और इसका प्रथम पद प्रधान होता दोस्तों, और द्वंद में दोनों पद प्रधान हो जाते हैं दोस्तों, और द्विग के क्या होता है, पहला शब्द क्या होगा, संख्यावाचक। चलिए अगला है, यथासंभव में कौन सा समास दोस्तों। देखिए, यही क्वेश्चन आपके UPPCS के सी साइड में पूछा गया अभी हाल ही में, ठीक दोस्तों, इसलिए कहते हैं सारे पेपर सॉल्व करते रहिए, कोई क्वेश्चन कब रिपीट हो जाए इसका कोई पता नहीं होता दोस्तों। देखिए, यथासंभव, यहाँ पर यथा क्या, उपसर्ग लग गया दोस्तों, कहीं भी यथा लगा मिल जाए आपको, सीधा सा बता देना क्या हो जाएगा, अव्यभाव समास क्या हो जाएगा दोस्तों, यथाक्रम, यथानुसार, यथाशीघ्र, यथासंभव, ठीक, ये सब क्या होंगे आपके, बिल्कुल सही क्या हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शंस मतलब अव्यभाव समास। अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है, विदेशी क्या होता है दोस्तों, आपको बता दें, संस्कृत, हिंदी,
आदि शब्दों को छोड़कर, ठीक है, वो जो बाहर से आए हुए होते हैं, जैसे कि आपका अंग्रेजी हो गया, अरबी फारसी हो गया, पुर्तगाली हो गया, जापानी हो गया, ये शब्द क्या होते हैं आपके विदेशी होते हैं दोस्तों, ठीक। तो ये चीज़ आपको बतानी है विदेशी शब्द इसमें से कौन सा है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, मील, मील का होता है अंग्रेजी शब्द ना, मील कितने मील चल लिया ना, तो मील का होता है अंग्रेजी शब्द होगा दोस्तों। मयूर का होता है, ये तो संस्कृत का होगा, यानी तत्सम होगा दोस्तों, वचन तत्सम हो गया, मध्य तत्सम हो गया दोस्तों। तो हमारा मील क्या है दोस्तों, विदेशी शब्द है, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चल देते हैं। अगला, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा दोस्तों, देखिए हिमालय किस प्रकार की संज्ञा, जो चीज केवल एक होती है वो हमेशा व्यक्तिवाचक होती है दोस्तों, तो हम बात करेंगे हिमालय। देखिए जिसका हम बहुवचन न बना सके वही क्या होता है एक वचन, यानी मतलब कि क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। तो हिमालय का बहुवचन हम नहीं बना पाएंगे, हिमालय नहीं होगा, ठीक दोस्तों। तो हिमालय हिमालय ही रहेगा, हिमालय केवल एक ही चीज का नाम है, प्रॉपर क्या है एक हिमालय क्या है एक पर्वत है दोस्तों, तो इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा व्यक्तिवाचक, क्या हो जाएगा दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए अगला है, निम्न में से प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा दोस्तों, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है, जहां पर प्रश्न पूछने का बोध है, कौन हो तुम, तो कौन आ गया दोस्तों, तो हमारा चौथा ऑप्शन क्या होगा प्रश्नवाचक। देखिए जो और सो क्या होता है संबंधवाचक, कोई क्या होता है अनिश्चयवाचक, ठीक दोस्तों। कोई क्या हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा दोस्तों, जो सो ये संबंधवाचक होते और कौन क्या हो जाएगा हमारा प्रश्नवाचक का, तो फोर ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से संख्यावाचक विशेषण कौन सा दोस्तों, संख्यावाचक कुछ कैसा गरीब और सफेद दोस्तों, तो कुछ कैसा गरीब और सफेद में क्या हो जाएगा, कुछ क्या होता है दोस्तों संख्यावाचक होता है, ठीक है अनिश्चित संख्यावाचक दोस्तों, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा हमारा कुछ ही क्या हो जाएगा हमारा संख्यावाचक हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और देखिए ये क्या होता है सार्वनामिक विशेषण क्या हो जाएगा दोस्तों, और ये क्या होते हैं यहाँ पर गुणवाचक सफेद और गरीब आपको पता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हवा का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, हवा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है दोस्तों, ये आपको बताना दोस्तों। हमारा 13 का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, चौथा ऑप्शन 13 का क्या हो जाएगा फोर, सलिल नहीं होगा दोस्तों, क्या नहीं हो जाएगा आपका सलिल नहीं होगा दोस्तों। सलिल किसका होता है आपको पता होना चाहिए, किसका होता है ये पानी का है दोस्तों, किसका है पानी का पर्यायवाची होता है सलिल दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है, शुद्ध कौन सा है दोस्तों, ये आपको बताना है दोस्तों, पुण्य जो सना उन्नति क्षमा दोस्तों, तो शुद्ध वाला शब्द आपको बताना है दोस्तों, ठीक है। तो आपको बता दें ज्योत्सना शुद्ध लिखा है, मगर ज्योत्सना आपको एक चीज और बता दें दोस्तों, इसमें यही मान लिया गया है, मगर ज्योत्सना में होता क्या दोस्तों, दोनों चीजें आधी होती है दोस्तों, ठीक है, आधा सा भी होता है आधा ना भी होता है, अगर ऐसा भी मिलता तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ज्योत्सना इस तरह से आधा सा भी होता है आधा ता भी होता है दोस्तों, तो ये भी हम मान लेते हैं दोस्तों, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा अशुद्ध है, तो अशुद्ध कौन सा दोस्तों लिखा हुआ है ये आपको बताना दोस्तों, तो आपको लग रहा होगा क्या 15 का दूसरा क्या पूज्य दोस्तों, तो पूज्य कैसे लिखते हैं बड़े आ की माता होते दोस्तों, पूज्य इस तरह लिखा था दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज आपके लिए गलत है, क्या है पूज्य। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्री स्त्रीलिंग है, तो हम इसको क्या बोल के भी देख सकते हैं दोस्तों, कौन सा स्त्रीलिंग होगा वो आपको पता चल जाएगा दोस्तों। इससे प्रभाव होता है भाषा बोली जाती है दोस्तों, बोली जाती है तो इसके मतलब क्या होगा, ये जाती है तो मतलब क्या स्त्रीलिंग होगा दोस्तों, ठीक है। निर्माण किया था विवाह होता दोस्तों, तो ये पुरलिंग हो जाएंगे, ये चारों क्या तीनों क्या है पुरलिंग है, स्त्रीलिंग हमारा क्या हो जाएगा भाषा शब्द। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, मैं घर जाना है या मैंने घर जाना है, मुझे घर जाना है मैंने घर जाना, तो मुझे घर जाना है दोस्तों कौन सा हो जाएगा 17 का हमारा तीसरा नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्या मुझे घर जाना है। चलिए 18 नंबर देखते हैं, आदेश का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा, आदेश को अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं दोस्तों, तो आपने सोचा सुना होगा कि ऑर्डर दे रहे हैं, ऑर्डर मतलब क्या होता है आदेश, क्या होता है दोस्तों, देखिए ऑर्डर मीन्स क्या होता है आदेश होता है, रिक्वेस्ट मीन्स क्या होता है दोस्तों, इसको भी बताते हैं आपको, निवेदन होता है दोस्तों, ठीक निवेदन का रिक्वेस्ट कर रहे हैं दोस्तों, और गाइड मतलब क्या होता है मार्गदर्शन देना, मार्गदर्शन करना, ठीक। डायरेक्शन क्या होता है निर्देश, ठीक दिशा निर्देश कह रहे हैं, निर्देशन कर रहे हैं डायरेक्शन कर रहे हैं दोस्तों, ठीक डायरेक्टर कौन है ये निर्देशन, ठीक दोस्तों। चलिए अगला है, टीचिंग का हिंदी में अनुवाद होगा, देखिए ये आपके क्या है पत्र लेखन से भी क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, तो टीचिंग का हिंदी में अनुवाद होगा अध्ययन अध्यापन निरीक्षण या शिक्षण दोस्तों, कहते हैं आप लोग टीचिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो टीचिंग क्या होता है दोस्तों, टीचिंग का सही क्या होता है शिक्षण, ठीक क्या हो जाएगा शिक्षण, हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। चलिए अगला, ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र कौन सा है, तो ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र क्या है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए क्या होना चाहिए दोस्तों, मथुरा, क्योंकि मथुरा ही क्या था ब्रज, यानी कि आपको ब्रजभाषा की बात कर रहे हैं दोस्तों, ब्रजभाषा केंद्रीय क्षेत्र क्या है दोस्तों ये पूछा गया, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हम आपको बता दें मथुरा होगा। देखिए अगर अवधिक पूछा तो लखनऊ बताए थे दोस्तों, ठीक है। वाराणसी के आसपास क्या होता है आपका बेन भोजपुरी, वाराणसी के आसपास भोजपुरी बोले जाते हैं ना दोस्तों, तो ये चीजें याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 21 नंबर का कह रहा है,
देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया पत्र लेखन से दोस्तों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। परिपत्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है दोस्तों? सबसे ऊपर परिपत्र संख्या लिखी आती है दोस्तों, या इसमें संबोधन की आवश्यकता नहीं है, या इसमें विषय का संकेत नहीं रहता, या अधोलेख भौदी की आवश्यकता नहीं होती दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 21 का, बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा कि इसमें अधोलेख में भौदी की आवश्यकता नहीं होती। यही शब्द क्या है दोस्तों? बिल्कुल गलत है दोस्तों, होती है दोस्तों, ठीक है, परिपत्र में होती है दोस्तों, ठीक है, परिपत्र में होती है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है? अर्धशासकीय पत्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है दोस्तों? इसका स्वरूप व्यक्तिगत पत्र के समान होता है दोस्तों, ठीक है, इसका स्वरूप व्यक्तिगत पत्र के समान होता है। तो दोस्तों बिल्कुल सही है कि हाँ व्यक्तिगत रूप से लिखते हैं, क्योंकि अर्थशास्त्री क्या होता है, अपने बराबर के अधिकारियों में दिया था दोस्तों। यह पत्र अन्य पुरुष में लिखा था? नहीं दोस्तों, ये गलत है दोस्तों, यही क्या है, गलत है दोस्तों, अन्य पुरुष में ये नहीं लिखा था दोस्तों, ठीक है, ठीक है। 22 का हमारा दूसरा ऑप्शन गलत है दोस्तों। देखिए औपचारिक शब्दों से आरंभ करने की आवश्यकता नहीं होती, जी बिल्कुल है, ये अपने अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। प्रायः समान स्तर के अधिकारी के साथ ऐसा व्यवहार पत्र होता है, जी हाँ एकदम, जो समान अधिकारी होते हैं, आपके बराबरी हिस्से के अधिकारी होते हैं, आपके बराबर रैंक के, उनको लिखा जाता है सरकारी पत्र, ठीक, अर्ध सरकारी पत्र, ठीक, और जो सरकार वो होता है आपका, ठीक है, तो वो कहता है आपसे बड़े अपने कनिष्ठ अधिकारी द्वारा वरिष्ठ को भेजा था दोस्तों, ठीक है। जो शासकीय पत्र होता है वो क्या होता है, कनिष्ठ अधिकारी को भेजा था, मगर अर्धशासकीय क्या होता है, अपने बराबर के लोगों को, ठीक। चलिए अगला है, कौन सा वर्ण घोष है दोस्तों? देखिए अघोष सघोष को ही घोष बोलते हैं, अघोष होता फिर सघोष होता, मतलब दूसरी लाइन क्या होती है दोस्तों, सघोष होती है, यानी घोष होती है दोस्तों, सघोष को ही घोष करते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए अघोष सघोष अघोष सघोष दोस्तों, ठीक, इस तरह चलता है ये। तो देखिए इसका सही ऑप्शन कौन सा जाएगा, देखिए दोस्तों पहले दो लाइनें क्या होती हैं, अघोष होती हैं, फिर दोस्तों फिर क्या होती है, सघोष हो जाती है, हमारा देखिए ग हो जाएगा, देखिए पहले दो लाइनें क्या होंगी, अघोष होगी, का खा क्या हो जाएंगे, अघोष हो जाएंगे, चा छा क्या होंगी, अघोष हो जाएंगी, मगर गा क्या हो जाएगा, तीसरी लाइन में आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा, घोष या सघोष हो जाएगा दोस्तों। हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। चलिए अगला है, संहार का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? देखिए हमने कई बार बता दिया है कि अगर सा के ऊपर कहीं भी बिंदी आपको देखने को मिलती है, सा के ऊपर कहीं भी बिंदी आपको देखने को मिलती है, वो हमेशा सम में टूटेगा, चाहे संसार में कहते अगर बिंदी लगे तो ये सम हो जाएगा, सम धन सार कर देना दोस्तों। तो इसी तरीके से हम पहचानते हैं दोस्तों, तो देखिए सा के ऊपर बिंदी लगे, इसको हम ना को मा बना देंगे और हरण लगा देंगे और फिर वही चीजें उतार देंगे, तो देखिए सम धन हार संहार दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन चौथा। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है दोस्तों? तत्सम क्या होता है, संस्कृत वाला शब्द, क्या होता है, संस्कृत वाला शब्द। तो देखिए हमको क्या लग रहा है दोस्तों, 25 का बिल्कुल सही कहा जाए, चक्र दोस्तों, चक्र क्या है, जहां पे आधा रहा होता है वो हमेशा ज्यादातर क्या होता है, तत्सम होते हैं दोस्तों, और कहीं पे अगर चांद वाला चंद्र बिंदी मिल जाए वो हमेशा तद्भव होगा दोस्तों, हिंदी वाला शब्द होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, हिंदी वाला बताना है, योगी जीव जीर्ण और जौवन दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा जाएगा, देखो 26 का कौन सा सही ऑप्शन होगा दोस्तों, तो आपको बता दें जीव क्या है ये दोस्तों, आपका तद्भव शब्द है जीव का, जीव्या हो जाएगा दोस्तों, आपका संस्कृत वाला शब्द, यानी कि तत्सम शब्द क्या होगा, जीव्या होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन से दोस्तों? देखिए बहुत ही अच्छे से पढ़ा हमने कि जिसमें कहीं भी आपके दोनों लास्ट वाले बड़े आ की मात्रा पा ली जाए वही क्या होता है, प्रेरणार्थक क्रिया होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक, देखिए दिलाना, ठीक, ये क्या हो गई दोस्तों, यही प्रेरणार्थक हो गई, लास्ट में दोनों बड़े आ की मान्यता पाई जानी दोस्तों, यही प्रथम प्रेरणार्थक हो गई दोस्तों, ठीक है। जब कोई काम खुद ना करके दूसरे से करवाया जाए, देखिए दिलाना, ठीक, किसी और से दिलवा रहे, ये क्या हो गया आपका, प्रथम प्रेरणार्थक दोस्तों, प्रेरणार्थक क्रिया हो गई दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अली और अली युग्म का सही अर्थ क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया, क्या हो जाएगा दोस्तों, अली और अली का सही अशाब्दिक अर्थ क्या होगा, भौंरा सखी दोस्तों, क्या हो जाएगा, भौंरा सखी। चलिए 29 नंबर देखते हैं, देखिए 29 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है? देखिए संयुक्त वाक्य होता है जिसमें कहीं वो जुड़ा होगा, कोई सेंटेंस अलग तरीके से जोड़ दिया जाएगा, उसको क्या बोलते हैं हम दोस्तों, संयुक्त वाक्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संयुक्त वाक्य दोस्तों। समझना आपको कि देखिए मैंने लड़के को बुलाया, ये क्या सरल वाक्य है, उन्हें ना नींद आती है ना ही भूख प्यास लगती है दोस्तों, तो ये देखिए यही क्या हो जाएगा हमारा, संयुक्त वाक्य, देखिए ना के जरिए पूरा सेंटेंस को जोड़ जाएगा दोस्तों, वही क्या हो जाएगा हमारा, संयुक्त वाक्य, ठीक दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़ करके क्या है उसके उत्तर देना है दोस्तों, आप लोग पद्यांश पढ़ते रहिएगा आराम से, हम धीरे चला रहे हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर इसे पुश करके आप लोग पढ़ सकते हैं, फिर उसके बाद सीधा हम क्वेश्चन पे आते हैं। ईर्ष्या का काम है, ईर्ष्या का क्या काम होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए ईर्ष्या का क्या काम होता है दोस्तों, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, जलाना दोस्तों, ठीक, क्या हो जाएगा, जलाना। अगला गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का क्या अर्थ होता है दोस्तों? ध्येय मतलब क्या होता है दोस्तों, कोई आपका ध्येय है, यानी क्या ध्येय मतलब क्या, लक्ष्य बनाते हैं ना, कोई ध्येय आपका होता है उसे क्या बोलते हैं, लक्ष्य बोलते हैं। अगला है गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की क्या होती है दोस्तों, प्रशंसा होती है या खिल्ली उड़ाई जाती है या स्तुति होती है या फिर उपासना होती है दोस्तों, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 32 का बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा दूसरा, खिल्ली उड़ाई जाती है दोस्तों, ये गद्यांश से आपको छान के बताना दोस्तों। अपव्यय का क्या अर्थ होता है, अपव्यय
अपव्यय मतलब क्या होता है दोस्तों, ये बताना आपको, तो हमारा 33 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या होता है फिजूल खर्च, कहते हैं ना अपव्यय कर रहे हैं बहुत ज्यादा धन का, अपव्यय कर रहे हैं मतलब क्या खर्च कर रहे हैं फालतू का। ठीक, चलिए अगला है गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा दोस्तों, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा दोस्तों, ईर्ष्या निंदा, ईर्ष्या से लाभ या फिर अपव्यय दोस्तों, तो हमारा 34 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा ईर्ष्या दोस्तों। अगला है अधिकार का उपसर्ग क्या होगा दोस्तों, अधिकार में उपसर्ग क्या होगा, उपसर्ग जो होता है पहले लगता है दोस्तों, देखिए इसमें हम पहले क्या कार शब्द हमारा मूल है, तो क्या हो जाएगा अधि हमारा क्या है दोस्तों, उपसर्ग है, क्या है अधि हमारा क्या है उपसर्ग दोस्तों। धार्मिक में प्रत्यय क्या है, तो धार्मिक प्रत्यय का होता है जो लास्ट में लगता, तो इक हमारा क्या हो जाएगा धर्म प्लस इक दोस्तों, धार्मिक, ठीक दोस्तों, धर्म प्लस इक बराबर धार्मिक दोस्तों हमारा, तो क्या हो जाएगा इक हमारा क्या है प्रत्यय है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर, अगला क्वेश्चन है कि आकर्षण का विलोम होगा, आकर्षण का विलोम क्या होता है दोस्तों, वो आपको बताना है, कर्षण विकर्षण या घर्षण या अपमान, तो आकर्षण क्या होगा विकर्षण होगा। जानने की इच्छा क्या होता है, जानने की इच्छा क्या होती है दोस्तों, किसी के अंदर जानने की इच्छा होती है मतलब क्या जिज्ञासा होती है, क्या होते हैं जानने की इच्छा, और जीने की इच्छा जीजी विषय होती है जो कि आपके आने वाले पेपर में अभी पूछा गया था दोस्तों। अभिलाषा क्या होती है, एक प्रकार की इच्छा होती है दोस्तों, इच्छा की पर्यायवाची होती है दोस्तों। कथा का बहुवचन क्या होगा दोस्तों, कथा का बहुवचन क्या होगा, इसका हमें सही ऑप्शन बताना दोस्तों, तो 39 का सही ऑप्शन कथा का क्या हो जाता है, कथाएं हो जाता है दोस्तों। चलिए 40 नंबर और लास्ट हिंदी का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है, देखिए वर्तमान काल का मानो पढ़ता है, ता है, ती है, ते है, तो ये क्या होगा आपका सामान्य वर्तमान काल, तो हमारा क्या हो जाएगा एकदम और एकदम सही दोस्तों। ठीक है, देखिए ये क्या होगा आपका भूतकाल, किसमें होगा मोहन गया भूतकाल होगा दोस्तों, भूत हो गई और सीता सो गई थी, सो रही थी, ये भी भूत है दोस्तों, और वह जाएगा ये क्या होगा भविष्य होगा दोस्तों। तो याद रख लेंगे हर एक चीज, हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया दोस्तों, आप हमारे प्ले स्टोर जाइए संपूर्ण हिंदी के नाम से आपको मिल जाएगी, एकदम बिल्कुल सरल तरीके से हिंदी हमने पढ़ाई दोस्तों, शायद आपको यूट्यूब में कहीं मिल जाए दोस्तों। चलिए देखिए आप देखते हैं सामान्य बुद्धि परीक्षण दोस्तों, सामान्य बुद्धि परीक्षण बहुत अच्छे से देखते हैं दोस्तों क्या है इसके अंतर्गत। ठीक है, ये चीजें हम लगा के देखेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए इसमें क्या है कि आपको प्रश्नवाचक की जगह आपको सही रिक्त स्थान भरना है दोस्तों, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न की सही रूप से प्रतिस्थापित करेगा दोस्तों। देखिए डी के बाद आपका क्या आ गया, एफ आ गया दोस्तों, डी के बाद एफ आया दोस्तों, यहां पे कितने गैप है, डी ई एफ, तो दो का गैप है दोस्तों। ठीक है, फिर जी के बाद क्या आया है, जे आया, तो दोस्तों यहां पर क्या गैप है, तीन का है। ठीक, एफ के बाद जी आ गया, फिर देखिए अब यहां के बाद जे के बाद, ठीक अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, जे और एन के बीच में कितने गैप है, तो जे और एन के बीच में कितने है, चार का गैप है दोस्तों। ठीक है, तो हम कोई ऐसा चीज देखते हैं जिसमें पांच गैप हो, तो हम देखते हैं क्या एम और आर में क्या है, पांच गैप है दोस्तों। ठीक है, पांच गैप है दोस्तों, तो प्लस पांच है, तो हमारा क्या हो जाएगा एम आर सही हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। चलिए उस विकल्प का चयन करो जो कि दी हुई श्रृंखला का में प्रश्न चिन्ह को सही रूप से प्रतिस्थापित करेगी दोस्तों। तो 15 है, फिर 27 है, फिर 45 है, फिर अगला क्या होगा दोस्तों, 15 है, ठीक है 27 है, फिर क्या है 45 है दोस्तों। देखिए 15 12 27 तो दोस्तों कितना है, देखिए दोबारा देखते हैं इसको, 15 और 12 कितना जाएगा, यहाँ पर कितने गैप है 12 का, 15 12 27 और फिर 27 में 45 का कितना गैप है दोस्तों, वो आपको पता होना चाहिए, कितने का है 18 का है। ठीक, कितने का है 18 का है दोस्तों, तो हमारे हिसाब से अगला क्या होना चाहिए दोस्तों, ठीक है अगला क्या होना चाहिए, देखिए 6 6 12 और फिर क्या 6 18 6 24, ठीक है तो 24 यहाँ पर जोड़ देना, 45 में 24 जोड़ देंगे दोस्तों, कितना जाएगा 5 4 9 हो जाएगा दोस्तों। ठीक, और 4 2 6 1 6 हो जाएगा दोस्तों, कितना क्या हो जाएगा 69 दोस्तों, हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगला है कि प्रश्न ए बी सी डी तथा में चिन्हित चार समस्या वाली आकृतियाँ हैं तथा 1 2 3 4 से चिन्हित चार उत्तर वाली आकृतियाँ हैं, उत्तर आकृति में से उस आकृति का चयन करें जो चार समस्या वाली आकृतियों द्वारा स्थापित श्रृंखला को जारी रखेगी दोस्तों। तो इसमें बताना कि इस तरीके से इसको चलाना है दोस्तों, तो देखिए इसमें कौन सा इसके बाद आएगा, ठीक है इसको हमें सही तरीके से भरना है दोस्तों, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए इसके आगे कौन सा हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या है चार हैं दोस्तों, फिर यहाँ पे तीन हो गई, यहाँ पे दो हो गई, यहाँ पे एक हो गई दोस्तों। ठीक है, ये समझिएगा दोस्तों कि यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर एक भरा हुआ है, ठीक एक भरा हुआ है, यहाँ पर दो, यहाँ पे चार भरे हुए हैं दोस्तों, चार हैं, यहाँ पे क्या है दो भरे हुए, तीन भरे हुए हो गए, यहाँ पे दो हो गए और यहाँ पे क्या है एक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए जिसमें एक भी ना हो दोस्तों, तो एक भी ना हो वो चीज़ें तो सही है दोस्तों, मगर अब हम क्या देखेंगे कि किस तरीके से चल रहे हैं दोस्तों, इसका सही ऑप्शन कौन सा जाएगा, हमारा दूसरा नंबर का हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्या आ रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा, इसके बताना है कि समान पार्श्व डाइस की अलग तीन तीन स्थितियां दिखाई गई हैं, कौन से संख्या वाला फलक 6 दिखाने वाले फलक के विपरीत होगा दोस्तों। तो देखिए हमारा इसमें क्या मैच खा रहा है दोस्तों, इस वाले में देखते हैं, तो तीन और तीन मैच खा रहा है, तो हम देखिए इनको एक एक उससे चलाते हैं, देखिए तीन के नीचे क्या आ जाएगा, तीन तीन दो
पाँच, पहले लिख लिया 3 2 5, इसी तरीके से इसको चलाते हैं तो 3 1 4। तो देखिए यहाँ पर क्या दोस्तों, 2 के विपरीत क्या होगा, 1 होगा और 5 के विपरीत 4 हो जाएगा, तो बचा कौन संख्या, तो 6, तो 6 के विपरीत कौन सा हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये संख्या दी हुई दोस्तों, ये आकृति दी हुई है, इसमें कौन सी आकृति क्या है प्रतिस्थापित करेगी, ये आपको बताना दोस्तों। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा जाएगा हमारा, देखिए ये हमारा कौन सा 45 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका फिट होगा दोस्तों, तो आपको बता दें 45 का बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा जाएगा हमारा, दूसरा नंबर ये क्या होगा, इसके आगे फिट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेन आरेख में आपको बताना है माताएं, डॉक्टर और महिलाएं दोस्तों। ठीक, माताएं, डॉक्टर, महिलाएं दोस्तों, तो ये चीजें आपको बताना है दोस्तों कि इसमें कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल और बिल्कुल सही तरीके से बैठ जाएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों। देखिए पहली चीज क्या होगा कि ये हमारी क्या हो जाएंगी, माता। ठीक, ये क्या हो जाएंगी, माता। अब देखिए माता क्या होती है, सभी महिलाएं ही माता होंगी दोस्तों, ऐसा नहीं कि कोई पुरुष माता बन जाएगा। ठीक दोस्तों, ये चीज़ आप समझिए, तो क्या महिलाएं हो जाएंगी दोस्तों ये, ठीक है, महिला हो जाएंगी दोस्तों ये, और ये माता हो गई। अब देखिए डॉक्टर कुछ महिला भी हो सकती है, कुछ माताएं भी हो सकती है, तो इस तरह से आपको बन जाएगा, तो ये डॉक्टर हो जाएगा दोस्तों। ठीक, तो ये चीज़ें कौन से हैं, ऐसा कौन से ऑप्शन में बन रहा, देखिए बिल्कुल सही हमारा तीसरा ऑप्शन क्या होगा, इस तरह से बन रहा दोस्तों, ये अंदर क्या हो जाएंगी, माता हो गई, ये आपकी महिला हो गई, और ये क्या हो गई, डॉक्टर हो गई दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या रहा, किसी कोड में लीडर को NGCF GD के रूप में लिखा गया, तो डीलर को कौन सा लिख दिया जाएगा दोस्तों, तो डीलर को क्या लिखोगे दोस्तों, ये आपको बताना है दोस्तों। देखिए 47 का हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आपको बता दें कौन सा होगा, तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। किस तरह होगा ये बता देते आपको। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या कह गया है कि L में क्या करें हैं कि दो जोड़ दें, तो L में दो जोड़े N आ गया, E में दो जोड़े G आ गया, C M में दो जोड़े C आ गया, और इसी तरह से D में दो जोड़े F आ गया, और E में दो जोड़ा G आ गया, R में दो जोड़ा T आ गया। इसी तरह से देखिए D में हम अगर दो जोड़ते हैं दोस्तों तो F आएगा, ठीक, E में दो जोड़ देंगे दोस्तों क्या आ जाएगा, G आ जाएगा, A में दो जोड़ेंगे C आ जाएगा, L में दो जोड़ देंगे N आ जाएगा, और E में दो जोड़ देंगे G आ जाएगा, और R में दो जोड़ने पर T आ जाएगा दोस्तों। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, तुम्हारा 3 ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, 47 का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चल देते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन का, नीचे 1 और 2 लेबल वाले 2 कथन दिए गए हैं, सुनिश्चित करें कि इन कथनों में कौन सा कथन निम्नलिखित उत्तर देने के लिए पर्याप्त जानकारी प्रदान करता है। पहला है कि राम के कितने बच्चे हैं, पहला ऑप्शन है राम के कितने बच्चे हैं। देखिए कह रहा है कि सहार रीना की एकमात्र पुत्री है जो राम की पत्नी है, ठीक है, पहला है, और साहिल और ललित सहार के भाई हैं दोस्तों। तो देखिए इसमें हम बताते हैं आपको कि क्या है कि आपके कथन 1 और कथन 2 दोनों को मिलाकर कि आप बता पाएंगे कि उसके कितने लड़के हैं दोस्तों, तो हमारा 4th ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है। फिर नीचे दिए गए बयान है, दूसरे नंबर के निर्णय निकालने हैं, निकाले जाते हैं, आपको यह मानना है कि कथन में दी गई तथ्य सूचना सारे सत्य हैं, फिर सुनिश्चित करना है कि दिए गए कथनों में के आधार पर सुझाए गए 3 निर्णयों में से कौन सा निर्णय तार्किक रूप से ठीक है दोस्तों। कथन क्या है कि दिल्ली में बड़ी संख्या में छात्रों के स्कूल से निकालने के बारे में रिपोर्ट किया गया क्योंकि वे गरीब हैं तथा स्कूल के शुल्क को वहन नहीं कर सकते हैं। सूचना है कि दिल्ली में बड़ी संख्या में छात्र स्कूल छोड़ रहे हैं क्योंकि वे गरीब और स्कूल शुल्क वहन नहीं कर सकते दोस्तों। तो निर्णय क्या होता है दोस्तों, पहला निर्णय क्या है, ऐसे छात्रों को स्कूल में पुनः मिलाप के लिए सरकार को तुरंत एक कार्यक्रम चालू करना चाहिए, शुरू करना चाहिए। शुल्क दूसरा क्या है, शुल्क जमा करने के लिए माता पिता को प्रेरित करना चाहिए दोस्तों। देखिए इसमें सही कौन सा दोस्तों, ये आपको बताना दोस्तों। तो आपको बता दें कि केवल और केवल क्या है, पहला ही ऑप्शन क्या है सही। देखिए किसी को आप शुल्क जमा करने के लिए नहीं कर सकते, अगर शुल्क जमा करने के लिए अगर वो होता, शुल्क जमा करने के लायक होते माता पिता, तो खुद ही उनके बच्चे क्या होते, बाहर नहीं आते। तो सरकार को ऐसी चीजें क्या करनी चाहिए, उनके लिए कार्यक्रम शुरू करना चाहिए कि क्या हो कि तुरंत मिलना चाहिए, ठीक दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है। ठीक, तो देखिए इस शब्द से क्या है कि कौन सा अक्षर जो वर्णमाला में आते हैं, जैसे कि देखिए उसी क्रम में, किस क्रम में, उसी क्रम में वर्णमाला में कौन से अक्षर हैं जो इससे आते होंगे दोस्तों। तो आपको पता है कि डी और ई, ठीक है, डी और ई दो क्या हैं दोस्तों, उसी क्रम में आ जाएंगे दोस्तों। ठीक, अगर इनको हम एक क्रम में लगाते हैं, देखिए पहले कैसे होगा आपको बता दें दोस्तों, इसको आप किस तरह करोगे, देखिए पहले ए आ जाएगा, ए हो गया, फिर बी हो गया, फिर सी है नहीं दोस्तों, ठीक, देखिए ए हो गया, डी हो गया, ठीक, उसके बाद डी ई, ठीक, तो डी ई क्या है, ये दोनों क्या है, एक क्रम में है दोस्तों, एक ही श्रृंखला में लिए गए हैं दोस्तों। ठीक, हमारा 50 क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, एक नंबर। ठीक, तो हमारे दो क्या हो जाएंगे, एक ही क्रम में लगे हुए हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा, देखिए दोस्तों यहाँ पे कहा गया ए को प्लस द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया, बी को माइनस द्वारा और सी को प्लस द्वारा, ठीक है, और डी को गुणा द्वारा कर दिया जाए, तो निम्नलिखित व्यक्ति का मान पता लगाइए दोस्तों। देखिए 25 है, ठीक, अब सी को थोड़ा छोटा लिखते हैं दोस्तों, जिससे कि इसमें आ सके ना, हम आपको समझा सके। ठीक है, 25 है,
25, फिर हम सी को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसका मतलब सी को देखते हैं, तो सी को हम क्या करते हैं प्लस कर देते हैं, 5 कर दिया, फिर बी को हमने क्या लिख दिया दोस्तों 35 लिख दिया, क्या लिख दिया 35 लिख दिया दोस्तों, और फिर ए को क्या लिख दिया दोस्तों हमने, सॉरी ए को हम क्या लिखेंगे, ए को कहा गया है यहाँ पर, ए को हम यहाँ पर प्लस कर दिए दोस्तों, ठीक है, और देखिए 15 है, 15 और फिर हमने क्या किया डी को गुणा कर दिया, 4 कर दिया दोस्तों। तो हम यहाँ पर हम देख रहे हैं एक चीज़ कि हमें देखिए सबसे पहले क्या करना होगा दोस्तों, गुणा करना होगा, क्या करना होगा गुणा करना होगा दोस्तों, वो चीज़ हम देखते हैं दोस्तों। देखिए पहले गुणा होगा तो 15 चौके क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, प्लस 35 ठीक, और प्लस 5 और प्लस 25 है दोस्तों। देखिए यहाँ पर हम प्लस प्लस वाले जोड़ लेंगे दोस्तों, ठीक, यहाँ पर क्या है ये माइनस है दोस्तों, ये माइनस दोस्तों, तो प्लस वाले 60 और 25 कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा, 85 5 90, और 90 में से 35 जाएगा दोस्तों, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सॉरी देखो दोस्तों, देखिए यहाँ पर 25 है और ये 35 है दोस्तों, तो इसको सही से हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा घट जाएगा दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए 25 5, ये 25 5 कितना होगा 30 हो गया, 30 से ये घट जाएगा कितना बचेगा 5 बचेगा ना दोस्तों, ये 25 5 कितना हो गया, देखिए अब दोबारा लगाते हैं 30 हो गया माइनस 35 हो गया, ठीक, और प्लस से 15 चुके 60 हो गए दोस्तों, ठीक, तब ये देखिए यहाँ से क्या होगा, ये 60 और 30 कितना 90 हो जाएगा, 90 से अगर हम 35 घटा देते हो दोस्तों तो कितना आएगा दोस्तों, 90 से अगर हम एक मिनट दोस्तों, देखिए थोड़ा सा गलती हो गई, यहाँ पर क्या ये 5 बचेगा ना टोटल, ये हम क्या है यहाँ पर 35 जाएगा, ये 5 बच जाएगा दोस्तों, केवल 5 बचेगा ना, केवल 5 बचेगा, और ये क्या है, ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों इसको करेंगे हम हल कर लेना, आप लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब आ रहा, ठीक, इसको अगर सही से हल करेंगे कितना जाएगा 30 आ जाएगा हमारा, ठीक दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी कोड में लाइट को इतना लिख दिया गया, तो इस सिक्किम को क्या लिखेंगे दोस्तों, उसी कोड में हम सिक्किम को क्या लिखेंगे दोस्तों। देखिए एल का कोड कितना होता 12 होता, 12 लिख दिया, आई का कितना होता 9 होता, 9 लिख दिया, जी का कितना होता 7 होता, 7 लिख दिया, एच का कितना होता 8 होता है, और टी का कितना होता 20 होता, इस तरह लिख दिया दोस्तों। एस का कितना होता 19 होता दोस्तों, ठीक 19 होता आता है, आई का 9 होता दोस्तों, तो उसी प्रकार से अगर हम करते जाते तो यही हमारा सही जाएगा। देखिए एस का 19 होता है, आई का 9 होता दोस्तों, के का कितना होगा 11 होगा, फिर के का 11 होगा, फिर आई का 9 होगा, फिर एम का 13 हो जाएगा दोस्तों, हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न की जगह आएगी दोस्तों, 4 चुके 16, ठीक 4 चुके 16 दोस्तों, इस तरीके से देखिए क्या कहा गया यहाँ पर कि उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए विकल्प को सही ढंग से मतलब कि सजा दे दोस्तों, ठीक। तो इसमें देखिए क्या कहा गया, देखिए 4 में क्या कहा गया 2 का स्क्वायर कर दिया गया, ठीक यहाँ पर समझिए 4 को क्या कहा गया 2 का स्क्वायर कर दिया गया, उसी तरीके से क्या किया गया फिर 4 का हमने स्क्वायर कर दिया, ठीक 2 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, तो फिर क्या करेंगे 8 का स्क्वायर कर देंगे, 8 28 64 दोस्तों, क्या हो जाएगा 8 28 64, तो हमारा बी ऑप्शन 4 ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला इस प्रश्न में आकृति दिया गया दोस्तों, इसमें आपको क्या करना है घुमा के आपको करना है, तो ये चलता जाएगा दोस्तों, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए इसको क्या करना, घुमाने की अनुमति नहीं है दोस्तों, ठीक है, तो देख लेना इसका सही ऑप्शन कौन सा जाएगा, एक बार दोबारा देख लीजिएगा, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका सही ऑप्शन कौन जाएगा, हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, चौथा ऑप्शन यानी 3 ऑप्शन ये वाला राइट होगा दोस्तों, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि इस प्रश्न में 1 2 3 और 4 चिन्हित आकृतियाँ हैं, इन चारों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक आकृति अन्य से भिन्न है दोस्तों, तो कौन सी भिन्न है ये आपको बता देना दोस्तों, तो कौन सी इसमें से भिन्न है दोस्तों, तो हमारा 55 का सही ऑप्शन क्या जाएगा, तीसरा क्या है दोस्तों भिन्न है, किस तरह से भिन्न है ये आपको बताना दोस्तों। देखिए यहाँ पर क्या है कि जो आपका है ए ऑप्शन, ठीक दोस्तों, ए ऑप्शन क्या है आपका भिन्न हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, किस तरह से भिन्न है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है ब्लैंक है दोस्तों, ठीक है, यह क्या है ब्लैंक है दोस्तों, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, इसमें दोस्तों थोड़ा सा क्या बताना है कि 3 में से 3 ऑप्शन 4 हैं 4 में से 1 भिन्न है दोस्तों, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा जाएगा दोस्तों बता दें, थोड़ा सा इसमें सही से क्लियर जा ही नहीं दे रहा दोस्तों, तो इसका 56 का हमारा पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा भिन्न हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा पहला ही ऑप्शन क्या होगा भिन्न होगा दोस्तों। अगला देखते हैं 57 नंबर, देखिए केन्या की नैरोबी, ठीक दोस्तों नैरोबी, केन्या की राजधानी क्या है नैरोबी दोस्तों, तो उसी तरह आपका नॉर्वे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये चीज़ आपको बतानी, केन्या की राजधानी क्या है नैरोबी है, उसी प्रकार से नॉर्वे की राजधानी क्या है ओस्लो, जहाँ पर क्या होता है कि नोबेल पुरस्कार शांति का पुरस्कार मिलता है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार देता है ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी क्या है ओस्लो है दोस्तों। चलिए नीचे दिए गए एक बयान के बाद 1 और 2 लेबल दिए गए हैं दोस्तों, निष्कर्ष निकालने आना, यह मानकर कि कथन जानकारी सत्य है, भले ही समस्या स्थापित तथ्यों से भिन्न प्रतीत हों, सुनिश्चित करें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से तथा निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी से परिणाम निकलता है दोस्तों। सभी शेर कुत्ते हैं, क्या कह रहा है दोस्तों ये, सभी शेर कुत्ते हैं दोस्तों, सभी शेर क्या हैं कुत्ते हैं, ये शेर होगा एस से और ये होगा के होगा कुत्ते हैं, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, तो कुछ बिल्लियां क्या हैं कुत्ते हैं दोस्तों, तो इस तरह से बता दें कुछ बिल्लियां क्या हैं कुत्ते हैं दोस्तों, ठीक। तो इस तरह से बना सकते हैं, और इसी का हम कैसे बना सकते हैं दोस्तों, एक इस तरह से भी बना सकते हैं, ये भी काट सकता है दोस्तों, ठीक। तो इस तरह से बना लेंगे, देखिए अब क्या है
अब क्या है, सभी शेर बिल्लियां हैं, सॉरी ये देखिए दोबारा हम बता दें, कथन गलत बोल देना, सभी कुत्ते क्या हैं, शेर हैं, सभी कुत्ते क्या हैं, शेर हैं, तो के आ गया यहाँ पे और ये हो गया शेर हो गया दोस्तों, सभी शेर बिल्लियां हैं, तो सभी शेर क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये बिल्लियां हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है, सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, तो सभी कुत्ते क्या हैं, बिल्लियां हैं, सभी कुत्ते बिल्लियां हैं दोस्तों, तो देखिए हमारा क्या एक ऑप्शन सही है दोस्तों, ये चीज़ आपको देखनी दोस्तों, तो बिल्कुल सही, देखिए सभी कुत्ते क्या हैं, बिल्लियां हैं ना दोस्तों, बिल्कुल सही, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, तो कुछ बिल्लियां क्या हैं, कुत्ते, तो बिल्कुल सही, दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे दोस्तों, सही हो जाएंगे, मतलब क्या हमारा परिणाम एक और परिणाम दोनों दोनों सही है दोस्तों, तो हमारा बी ऑप्शन, ये थ्री ऑप्शन बिल्कुल राइट। नीचे दिया गया फिर वही चीज़ है, कथन दिया गया है, कथन और निष्कर्ष बताना दोस्तों, सेनाकर्मी सैनिक बहादुर होते हैं, कभी सेना कर्मी रत्न प्राप्त करेंगे, देवेश एक सैनिक है दोस्तों, तो देखिए पहला है क्या कहते हैं, निष्कर्ष क्या है, देवेश रत्न प्राप्त करेगा, देखिए क्या कह रहे हैं कि सेना कर्मी बहादुर होते हैं, सभी सेना कर्मी रत्न प्राप्त करेंगे, देवेश एक सैनिक है, तो देवेश रत्न प्राप्त करें, बिल्कुल सही दोस्तों, क्यों, क्योंकि देवेश क्या एक सैनिक है और सेना कर्मी क्या है कि रत्न जरूर प्राप्त करेंगे दोस्तों, यही चीज इसमें बताई गई दोस्तों, किसमें आपके 61 नंबर क्वेश्चन में यही चीज बताई गई कि हाँ वो क्या करेगा, प्राप्त करेगा दोस्तों, तो बिल्कुल सही कहा जाएगा, सत्य है दोस्तों, ये क्या है, सत्य है दोस्तों, खुद ही कह रहा है कि देवेश एक सैनिक है और सभी सैनिक क्या करेंगे, रत्न प्राप्त करेंगे दोस्तों, ठीक, तो ये सही है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 60 नंबर क्वेश्चन फिर से है दोस्तों वही कि आपका कथन दिया गया है, क्या कथन है, क्या सरकार को प्लास्टिक के उत्पाद को प्रोत्साहन करना चाहिए, बिल्कुल तर्क क्या कर रहा है, पहला हाँ इससे सरकार का राजस्व बढ़ेगा, दूसरा नहीं इस निर्णय से प्लास्टिक उद्योग में होने वाले प्रदूषण के रास्ते खुलेंगे दोस्तों, तो देखिए हमारा कथन कौन सा मजबूत है, हमको इससे मतलब होता है दोस्तों, तो हमारा कथन कौन सा बिल्कुल मजबूत है दोस्तों, तो दूसरा नहीं दोस्तों, आपको देखिए वो चीज़ें आपको प्रोत्साहित नहीं करनी है दोस्तों जिससे क्या हो कि पॉल्यूशन बढ़ेगा, तो केवल और केवल क्या होगा, हमारा दूसरा कथन मजबूत है दोस्तों, क्या हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है सामान्य जानकारी, अब देखिए आप 60 से लेकर के 80 तक सामान्य जानकारी देखेंगे, पहला क्वेश्चन है कि भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल सबसे अधिक कितने मंत्री हो सकते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो कितने सबसे ज्यादा मंत्री हो सकते हैं दोस्तों, तो ये आपको बताना है कितने, लोकसभा की कुल संख्या के 15%, ठीक दोस्तों 15% निकाल लीजिए, उतने ही मंत्री हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है स्वतंत्रता प्राप्त स्वतंत्र भारत में पहली बार मुद्रा जो विमुद्रीकरण होता है कब प्रयास किया गया था दोस्तों इसका, तो कब हुआ था पहला जो मुद्रा विमुद्रीकरण कब हुआ था दोस्तों, तुम्हारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल रहेगा 1978 में दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है किस अधिनियम में एक ऐसा प्रावधान है कि जो भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश जारी करने का अधिकार देता है दोस्तों, तो किसके द्वारा, तुम्हारा 63 का बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, चौथा नंबर कौन सा, RBI अधिनियम की धारा 7 के अनुसार। चलिए अगला क्वेश्चन है नवंबर 2018 में अमेरिका के किस राज्य में जंगल की आग बड़ी विनाश और मानव जीवन की हानि के कारण बनी, तो बहुत ही खतरनाक जो आग लगी थी दोस्तों, कौन से कहाँ हुआ था दोस्तों, तो ये आपको बता दें कैलिफोर्निया दोस्तों, बहुत ही मशहूर वहाँ का एक राज्य कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है अमेरिका का USA का कैलिफोर्निया दोस्तों। चलिए अगला है प्रसिद्ध कार्टून पात्र मिकी माउस 2018 में अपनी 90वीं सालगिरह मनाई, मिकी माउस का निर्माता कौन है दोस्तों, तो कौन सा है, तो कौन हो जाएंगे दोस्तों मिकी माउस, किसकी है, वाल्ट डिज्नी स्टूडियोज की, किसकी है, वाल्ट डिज्नी स्टूडियो की, बहुत ही बेहतरीन स्टूडियो दोस्तों। अगला है मोटो जीपी, ठीक विश्व चैंपियन सॉरी मोटो जीपी चैंपियनशिप किस खेल या रेस के लिए आयोजित की जाती है दोस्तों, तो आपको बताते हैं किसके लिए की जाती है दोस्तों, तो किसका इसका सही ऑप्शन कौन सा जाएगा, दूसरा नंबर कौन सा, मोटरसाइकिलिंग रेसिंग के लिए दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल लेजर है जिसमें क्रिप्टो करेंसी में किए गए लेन देन कालानुक्रमिक रूप से और सार्वजनिक रूप से दर्ज किए जाते हैं दोस्तों, तो हमारा 67 का सही ऑप्शन क्या जाएगा, तीसरा, किसको, ब्लॉक चैन दोस्तों, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्न वन्य जीव अभयारण्य से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है दोस्तों, तो आपको बता दें कौन सा है, चंद्रप्रभा, कहाँ है, चंदौली, चंद्रप्रभा कहाँ है दोस्तों, स्थित चंदौली जिले में, ठीक। चलिए अगला है सबरीमाला मंदिर में पूजा के लिए प्रसूति महिलाओं को अनुमति देने का निर्णय किनके द्वारा दिया गया था दोस्तों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट से रिलेटेड था दोस्तों और बहुत अच्छा क्वेश्चन था, किसके द्वारा, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दोस्तों, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसमें महिलाओं को जाने के लिए अनुमति दी थी। अगला है गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को प्रेम से क्या उपाधि दी थी दोस्तों, तो गांधी जी ने जो रविन्द्रनाथ टैगोर को उपाधि दी थी वो कौन सी उपाधि थी दोस्तों, तो गुरुदेव बोला था दोस्तों, क्या बोला था, गुरुदेव बोला था। चलिए अगला क्वेश्चन है उस सबसे बड़े देश का नाम बताइए जिसकी सीमा में एक भी नदी नहीं बहती दोस्तों, तो किस देश में एक भी नदी नहीं और वो देश सबसे बड़ा देश है बिना नदी वाला, तो कौन सा है, सऊदी अरब दोस्तों, कौन सा है, सऊदी अरब दोस्तों, ठीक सऊदी अरब। चलिए अगला है वर्ष 2000 में शुरू होने वाली तिथियों के लिए कैलेंडर डेटा के स्वरूप और संग्रहण से संबंधित कंप्यूटर बग की श्रेणी क्या है दोस्तों, कौन सी श्रेणी है बग की,
तो कौन सा है Y2K, क्या हो जाएगा Y2K दोस्तों, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। बग क्या होता है, गलतियां होती है दोस्तों, कंप्यूटर में होने वाली गलतियां क्या होती है, बग कहलाती है दोस्तों। अगला, निम्न में से कौन सी कंपनी का उत्तर प्रदेश में विनिर्माण सेटअप नहीं है दोस्तों, तो कौन सा उत्तर प्रदेश में विनिर्माण सेटअप नहीं है दोस्तों, किसका नहीं है दोस्तों, तो आपको बता दें स्कोडा का दोस्तों, ठीक स्कोडा का नहीं है दोस्तों। अगला है, 1805 में राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित किस संगठन ने महिलाओं के खिलाफ नकारात्मक परंपराओं, पूर्वाग्रहों और प्रथाओं को हटाने का प्रयास किया था दोस्तों, ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ जा रहे हैं दोस्तों। अगर इसका आंसर आपको पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन से वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया दोस्तों, तो कौन सा वंश था जो भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं कर पाया दोस्तों, तो राजपूत, राजपूत ये दक्षिण भारत में कभी नहीं गए दोस्तों, ठीक। चलिए अगला है, दुनिया का सबसे बड़े थार रेगिस्तान में से एक भारत में कहाँ स्थित है दोस्तों, तो दुनिया के सबसे बड़े छार लिखा दोस्तों, छार रेगिस्तान में एक भारत में कहाँ स्थित दोस्तों, तो कहाँ पे स्थित दोस्तों, हमारा 76 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, चौथा कच्छ गुजरात, ठीक कच्छ क्या रण, ठीक दोस्तों आपको पता होगा कहाँ है, गुजरात में दोस्तों। चलिए अगला है, उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जिले में कौन सा स्थान चीनी मिट्टी के चीजों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो आपको बता दें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया सिरामिक दोस्तों, कौन सा खुर्जा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन को, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस श्रीलंकाई प्रधानमंत्री 2018 के अक्टूबर में पद से हटाया गया दोस्तों, किसको हटाया गया दोस्तों, बताइए किसको हटाया गया, 78 का सही ऑप्शन क्या जाएगा, रानिल विक्रमसिंघे दोस्तों। एक चीज बता दें, इस समय जो श्रीलंका है वहां पर ब्रदर की, दोनों ब्रदर का शासन है दोस्तों, मतलब कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों क्या हैं, भाई भाई हैं दोस्तों, ठीक है भाई भाई, 2020 चल रहा है दोस्तों, यहां पर क्या है कि दोनों भाई भाई हैं, राष्ट्रपति भाई है और प्रधानमंत्री भाई है, अगर आपको उनका नाम पता तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2018 को भारत ने अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनवाया दोस्तों, मनाया था दोस्तों 15 अगस्त की बात की जा रही दोस्तों, तो कौन सा था, 72वां, ठीक दोस्तों आपका 72वां। चलिए लास्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है, मेरियाना खाई जो मैरिनेट ट्रंच है दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध दोस्तों, सबसे अधिक ज्वालामुखी के लिए, या सबसे अधिक मूंगे के लिए, या पृथ्वी की सबसे गहरी बिंदु के लिए, सर्वाधिक जहाज डुबाने के लिए, डूबने के लिए दोस्तों, सबसे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तीसरा, पृथ्वी पर सबसे गहरी बिंदु के लिए। ये जो मैरियाना ट्रंच है दोस्तों वो सबसे गहरी बिंदु है, मतलब पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु है दोस्तों, तो याद रख लेंगे हमारा 3 ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। देखिए हमने पूरे पूरे क्वेश्चन देख लिए, टोटल 80 क्वेश्चन देखे दोस्तों UP SSC के स्टेनोग्राफर का। आपको वीडियो कैसी लगी, और हाँ इसका एक वीडियो हमने और सॉल्व कराया था दोस्तों, उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या फिर आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको मिल जाएगा UP SSC स्टेनोग्राफर के नाम से आपको वीडियो मिल जाएगी दोस्तों, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से जाकर के आप और भी वीडियो इसकी देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर की दोस्तों। आई होप आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों, तो चलिए अगर अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।